Exactly 2 years back, on 2nd of July 2021, our new house inauguration took place, and I'm just wondering how fast time flies. So it is kind of throwback video, so I hope you enjoy. And make sure to watch till the end. तो ये है मेरे परदादा जी एंड परदादी जी, एंड इन्हीं के आशीर्वाद की वजह से आज हमारा ये घर बन पाया है. सो आई होप कि इनका आशीर्वाद हमेशा बना रहे हम पर. इट इज़ अ रिचुअल इन आर फैमिली, एंड इसीलिए मम्मा ने अपने हाथ में लिया है कठौता जिसमें रखते हैं मूंग, एंड उस पर बैठते हैं भगवान जी, और पापा ने अपने हाथ में लिया श्रीफल. आप लोगों के क्या रिचुअल होता है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना. And now we all are heading towards our new home because इस ritual में मम्मा and पापा को पैदल ही चलना होता है, so we all are going with them. And we finally reached our home and अब मम्मा पापा पूजा के लिए बैठेंगे. But उससे पहले एक और ritual है जिसमें मुझे मम्मा और पापा को mirror दिखाना होता है. क्या आप लोगों के भी ऐसा कोई ritual होता है new house के inauguration में? अगर आपका कोई भी ritual हमारे ritual से match करता है तो मुझे comment section में ज़रूर बताना. एंड देन मम्मा एंड पापा ने एक दूसरे को माला पहनाई, और माला के बिना तो हमारा कोई भी फंक्शन इनकम्प्लीट ही होता है. एंड उसके बाद में फिर मेरी बुआ ने उनकी उतारी नज़र, और इस रिचुअल को कहते हैं लूना पानी. सो दिस वीडियो इज़ फुल ऑफ रिचुअल्स. अगर आप लोगों को ये अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो. फिर मम्मा पापा ने अपने शुभ कदम हमारे घर में रखे, एंड देन उन्होंने पूरे घर में मूंग बिखेरे, और ऐसा माना जाता है कि इस रिचुअल को फॉलो करने से घर में सुख समृद्धि आती है. फिर मम्मा पापा ने भगवान जी को मंदिर में स्थापित किया. वन मोर रिचुअल, एज आई सेड दिस वीडियो इज़ फुल ऑफ रिचुअल. इसमें मेरी बुआसा ने अग्निदेव को प्रज्वलित किया, और मम्मा और पापा ने पूजा की, और अभी मम्मा मौली बांध रही है गैस पर. एंड यहाँ पर मम्मा और पापा हवन के लिए बैठ गए हैं, और सनातन धर्म के अकॉर्डिंग ये सब हवन के लिए तैयारियाँ की है पंडित जी ने. और आज लड्डू गोपाल जी का भी इस घर में पहला ही दिन है, तो उनकी प्राण प्रतिष्ठा की गई और उनका अभिषेक किया गया, और इनका नाम पंडित जी ने अनिरुद्ध रखवाया है. और फिर हवन हो चुका है स्टार्ट. और ये सब है मेरे दादी जी, एंड ये है मेरे दादाजी, और यहाँ पर सब इंजॉय कर रहे हैं, एंड मैं यहाँ पे कर रही हूँ फोटोशूट एंड रिलेटिव्स को अटेंड. और हवन होने के बाद में मम्मा और पापा ने की विघ्नहर्ता गणेश जी की पूजा, और पूरे घर में बांधी मौली, और ऐसा माना जाता है कि ये मौली एज अ सुरक्षा कवच एक्ट करती है. फिर गेस्ट ने दिए गिफ्ट्स, और सारे फैमिली मेम्बर्स ने मिलकर की आरती. और आरती संपूर्ण होने के बाद में पंडित जी ने किया वेद मंत्रों का उच्चारण, और मेरी भुआसा ने की मम्मा पापा की मंगल आरती. और यहाँ भुआसा गोल की रिकॉर्ड रख रहे हैं, एंड यूजुअली ना फैमिली फंक्शन में हम चारों का फोटो हो ही नहीं पाता है, बट दिस टाइम वी वर अवेयर और हमने फोटो क्लिक करवाई. एंड तब तक हमारे ननियाल वाले भी आ गए, मेरे ननियाल के साथ में मम्मा के ननियाल वाले भी आ गए, एंड सब लोगों ने मिलकर गिफ्ट्स दिए, और फिर मम्मा के फ्रेंड्स भी आ गए. यहाँ पर सब मम्मा और पापा को गिफ्ट्स दे रहे हैं, एंड फाइनली वेट करते करते मेरी और भैया की भी टर्न आ गई, और फिर मेरी स्वीट सी सिस्टर ने दिया ये स्वीट सा हैंडमेड गिफ्ट. एंड फिर नाना जी और नानी जी ने हमें बहुत सारे गिफ्ट दिए, मम्मा के लिए गोल्ड आइटम्स, एंड हमारे लिए भी बहुत सारे गिफ्ट. फिर सब लोगों ने खाना खाया और सब अपने घर चले गए. सो दिस वॉज द स्वीट एंडिंग ऑफ आवर स्वीट हाउस इनोग्रेशन, एंड इट वॉज एन अमेजिंग डे. अगर आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा तो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच ब्लॉग्स. लेट मी नो आपको नेक्स्ट कौन से ब्लॉग्स देखना है, बिकॉज यू आर वन कमेंट मोटिवेट्स मी अ लॉट, एंड यू आर द ओनली रीजन आई मेक वीडियोज. सो थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी. कीप सपोर्टिंग, कीप शोइंग योर लव. बाय बाय, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो.